बॉलीवुड एक्ट्रेस से राजनेता तक का सफर तय कर चुकी कंगना रनौत के साथ गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुए थप्पड़ कांड ने तूल पकड़ लिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस से राजनेता तक का सफर तय कर चुकी कंगना रनौत के साथ गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक अजीब हादसा हुआ। एक महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल ने एयरपोर्ट पर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया और इस खबर को सुनकर हर कोई सन्न रह गया। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से जीत हासिल कर चुकी कंगना दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी और एयरपोर्ट पर यह अजीब वाकया ने उनके साथ साथ हर किसी को हैरान करके रख दिया। महिला कांस्टेबल किसानों पर कंगना के दिए बयान को लेकर नाराज थी। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि जब इन्होंने बयान दिया था तब वहां पर मेरी माँ भी बैठी हुई थी। वहीं कंगना ने भी इस घटना पर अपना रिएक्शन दिया है। कंगना ने कहा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ हुआ। मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे केबिन में जो महिला सुरक्षा कर्मी थी उन्होंने साइड से आकर मुझे हिट किया। वो गालियां देने लगी और जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हैं तो उन्होंने कहा कि वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करती हैं। मैं सेफ हूँ लेकिन मैं इस बात को लेकर कंसर्न हूँ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है उसे कैसे हैंडल करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माय कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू।